मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. Okay students, let us continue. Yesterday we were studying about the story of Lakshmi. That was a case story. Good morning ma'am. Good morning. Good morning all of you. Good morning ma'am. Good morning. Okay students, let us start. As we have discussed yesterday, one story which was about Lakshmi, and she has 2 acres of land, 2 hectares of land, which was unirrigated land, है ना? कल हम लोगों ने पढ़ा था लक्ष्मी के बारे में, केस स्टडी हम लोगों ने स्टार्ट किया था. उसके पास 2 हेक्टेयर जमीन थी जो कि सिंचाई के योग्य नहीं थी, यानी कि यदि उस पे बारिश हो तो वहां पे वो ज्वार और अरहर की खेती करती थी, और बारिश ना हो तो वो उसके खेती के योग्य नहीं थी. अब लक्ष्मी क्या करती है, कैसे वहां पर उसके फैमिली मेंबर्स अंडर एम्प्लॉयड हैं. अंडर एम्प्लॉयड मतलब काम तो करते हैं लेकिन वास्तव में जितना उनकी पोटेंशियल है, अपनी क्षमता के अनुरूप वो प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, बिकॉज लैंड इज लिमिटेड. And if there are more person on a limited land, then the productivity will be shared among all the people, all the persons, and that will be less. तो यहाँ एक example देके तुम्हें under employment को समझाया गया है. यहाँ देखो क्या है example, इसको हम लोग case study को पढ़ते हैं, फिर आगे इसके ऊपर चर्चा करेंगे. ये सब topics को पढ़ लिया जाए फिर revise करेंगे तो और एक बार तुम लोगों को समझा देंगे अच्छे से. क्या कहा जा रहा है, फॉर इंस्टेंट टेक द केस ऑफ स्मॉल फार्मर लक्ष्मी ओनिंग अबाउट 2 hectares ऑफ अनइरिगेटेड लैंड डिपेंडेंट ओनली ऑन रेन एंड ग्रोइंग क्रॉप्स लाइक ज्वार एंड अरहर. ऑल 5 members ऑफ हर फैमिली वर्कड इन अ प्लॉट थ्रू आउट द ईयर. व्हाई दे हैव नोवेयर एल्स टू गो फॉर वर्क. यू विल सी दैट एवरीवन इज वर्किंग नॉन रिमेन आइडियल बट इन एक्चुअल फैक्ट देयर लेबर एफर्ट गेट्स डिवाइडेड. कहा जा रहा है कि उनके घर में 5 लोग हैं. बेटा गुड मॉर्निंग, लेट अस कंटिन्यू. आपका आवाज लैग हो रहा है. तुम्हारी तो आवाज लैग हो रही है फिर. हाँ ये चली जाएगी तुम्हारे पास रिकॉर्डिंग तो आवाज क्लियर मिल जाएगी. अननेसेसरी रुक करके टाइम वेस्ट करने से क्या फायदा, क्या नहीं होगा. मैम वीडियो भी लैग हो रहा है. ठीक है तुम्हारे यहाँ इंटरनेट ठीक नहीं है बेटा, यहाँ सब चीज नॉर्मल है, सारा चीज प्रॉपर्ली चल रहा है. बाकी बच्चों तुम्हारी आवाज सुनाई नहीं दे रही है, म्यूट कर लो अपने आप को. प्रॉब्लम होगा तो बाद में तुम्हारे पास. कुछ सुनाई नहीं दे रहा है. पेज नंबर 26 कल जहाँ पढ़े थे वहीं से तो स्टार्ट कर रहे हैं. कल नहीं थे क्या? रोज बताना. म्यूट करो बेटा अपने आप को, जब जरूरत होगी तभी बोलना. अननेसेसरी टाइम लॉस करने से कोई फायदा है नहीं. तो यहाँ हम लोगों ने चर्चा किया, वी हैव डिस्कस्ड हियर दैट 5 members ऑफ द फैमिली वर्कड ऑन द सेम प्लॉट ऑफ लैंड. No one was sitting idle. कोई भी ऐसे बेकार नहीं बैठा था, हर कोई काम कर रहा था. लेकिन क्या था, सबके काम का जो इफिशियंसी था, वर्क इफिशियंसी, वो डिवाइड हो जा रहा था. प्लॉट छोटा था, काम करने वाले लोग उस पर अधिक थे. तो वही चीज यहाँ दिया गया है कि यू विल सी दैट एवरी वन इज वर्किंग नॉन रिमेन आइडल बट इन एक्चुअल फैक्ट देयर labor effort gets divided. Each one is doing some work, but no one is fully employed. हर कोई कुछ ना कुछ काम कर रहा है, लेकिन किसी को भरपूर रोजगार मिला हुआ नहीं है.
where people are apparently working, but all of them are made to work less than their potential, this kind of underemployment is hidden, in contrast to someone who does not have a job and is clearly visible as unemployed. क्या कहा जा रहा है यहाँ, जो unemployed person है वो हमें दिखाई देता है कि वो तो कुछ कर नहीं रहा है, अनएम्प्लॉयड है, बेरोजगार है, क्योंकि उसके पास कोई भी रोजगार नहीं है. लेकिन ये क्या है, ये उल्टा है. आदमी दिख रहा है कि हाँ कुछ काम कर रहा है, बट उसकी वर्क इफिशियंसी डिवाइड हो जाने के वजह से उसके पास जो क्षमता है अपने पोटेंशियल के मुताबिक वो काम नहीं कर पा रहा है, जिससे उसका आउटपुट उसे कम मिलेगा. और इसीलिए इसको डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं. हाँ बोलो मैम. आउटपुट मतलब क्या होता है, बोल रही बार बार. जो निकलता output. है, जो जो आप काम किया, ठीक है, सब लोग किए, पांचों लोग मिलके किए ना, तो जो प्रोडक्ट निकला, यानी कि जो अनाज हुआ उसको प्रोड्यूस करके जब बेचे, जो लगाए उसमें जो लागत लगा वो इनपुट हुआ, जो उसका प्रोडक्ट निकला वो उसका आउटपुट हुआ. तो जो आउटपुट निकला उसको यदि पांचों मेंबर्स में बांट लिया जाएगा तो वो थोड़ी ना उतना होगा जितना उन लोगों को काम के बदले मिलना चाहिए था दाम. एक दिन की मजदूरी भर उन लोगों को नहीं मिल पाएगी, क्योंकि पूरे सीजन भर वो वर्क करेंगे और उसी पांच उसी पर्टिकुलर खेत में पांचों लोग लगे रहेंगे. उसके बजाय यदि वो कुछ और काम करते तो उन्हें उससे अच्छा इनकम हो जाता, लेकिन वो मजबूर है क्योंकि उनके पास कोई दूसरा काम ही नहीं है करने को, वो कहाँ जाए, तो मजबूर होके उस जमीन पर काम कर रहे हैं. ठीक है, क्लियर हुआ? इज इट क्लियर? हु वाज आस्किंग? यस मैम, यस मैम. अब देखो, फिर यहाँ पे एक एग्जांपल और दिया है. नाउ सपोजिंग अ लैंडलॉर्ड सुखराम कम्स एंड हायर्स वन ऑफ टू, वन और टू, यानी कि उसी गांव का एक लैंडलॉर्ड है, जमींदार है, जिसका नाम है सुखराम. वो आता है, उसके घर से एक या दो लोगों को लेके चले जाता है. कहां पर? अपने खेत पर काम करने के लिए, समझ रहे हो ना, हायर कर लेता है उनको, ले लेता है कि चलो तुम मेरे यहाँ काम कर देना, मेरे खेत पर काम ज्यादा है, हम लोग कम है काम करने वाले, तो वर्कर से हमें काम करवाना है. बड़ा प्लॉट है उसके पास, जमींदार है वो, ज्यादा जमीन का मालिक है. तो लक्ष्मी के फैमिली मेंबर्स में से दो लोगों को वो ले लेता है और अपने पास काम करवाने के लिए ले जाता है. लक्ष्मी's family is now able to earn some extra income through wages. अब उसके जो दो मेंबर्स सुखराम के खेत पर काम कर रहे हैं, सुखराम भी उनसे काम करवा के उसके बदले उनको तनख्वाह दे रहा है, तो उसके बदले भी उनको क्या हो रहा है, कुछ वेजेस एक्स्ट्रा मिल जा रहे हैं. यानी जो खेत पे काम हुआ वो तो इनका बना हुआ है, वो तो कर ही रहा है, तीन लोग जो है उनके लिए पर्याप्त काम है, लेकिन वो दो लोग भी उसी में इन्वॉल्व थे, अननेसेसरी, उनकी कोई जरूरत नहीं थी. जब सुखराम उनको काम करने के लिए लेकर के गया, तो जब वो काम करवाने लगा और काम के बदले जब उन्हें तनख्वाह देने लगा, तो इसके फैमिली मेंबर्स में कुछ अधिक एक्स्ट्रा इनकम हो गया. Since you do not need five people to look after that small plot, two people moving out does not affect production on their farm. क्योंकि पांच लोगों की तो वहां जरूरत ही नहीं थी, वो लोग अननेसेसरी पांच लोग वहां फंसे हुए थे. यदि उनमें से दो लोगों को निकाल भी लिया गया तो खेत के जो प्रोडक्शन था, खेत का जो उत्पादन था, उस पे किसी भी तरह की कोई कमी नहीं आई. In the above example, two people may move to work in a factory. Once again, the earning of the family would increase and they would also continue to produce as much from their land. Yadi isme se do logon ko, who is asking? Yadi inhi logon mein se koi do vyakti kahan chala jata hai? Factory mein kaam karne ke liye chala jata hai. To bhi उनका अर्निंग कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ जो खेत पे जो सॉरी प्रोडक्शन जिस खेत पर ये काम करे, प्रोडक्शन बहुत इफेक्टेड नहीं होगा और उसकी अर्निंग और बढ़ जाएगी, क्योंकि फैक्ट्री में भी वर्क करने के वजह से फैक्ट्री के भी वेजेस उसके पास अवेलेबल हो जाएंगे. अब यहाँ पे फिर दिया गया है कि देयर आर लैक्स ऑफ फार्मर्स, लाखों की संख्या में किसान है लक्ष्मी के ही तरह,
यानी उनके खेतों पे जिनकी आवश्यकता है वो तो कर रहे हैं, जिनकी आवश्यकता नहीं भी है वो भी बेचारे फिजूल में वहां फंसे हुए हैं. इफ वी रिमूव अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम एग्रीकल्चरल सेक्टर एंड प्रोवाइड देम विद प्रॉपर वर्क एल्सवेयर, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन विल नॉट सफर. ऐसे ही हमारे देश में लाखों किसान हैं जिनकी खेतों में आवश्यकता नहीं है, लेकिन कोई और काम नहीं मिलने के वजह से वो वहां पर कार्यरत हैं. और हमें दिखाई देता है कि हमारे यहाँ 49% पीपल जो है वो प्राइमरी सेक्टर या एग्रीकल्चरल से रिलेटेड सेक्टर्स में इन्वॉल्व हैं. तो अब यहाँ पे दिया जा रहा है कि यदि उनमें से कुछ लोगों को हटा लिया जाए और उन्हें किसी और सेक्टर में भी जॉब दे दिया जाए, काम दे दिया जाए, तो भी फार्म के प्रोडक्शन पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है. दे आर एम्प्लॉयड एज पेंटर्स. फिर यहाँ पे और एक चीज भी दिया गया है कि फॉर एग्जाम्पल देर आर थाउजेंड ऑफ कैजुअल वर्कर्स इन द सर्विस सेक्टर इन अर्बन एरियाज हु सर्च फॉर डेली एम्प्लॉयमेंट. हजारों की संख्या में बहुत सारे लोग ऐसे हैं शहरी इलाके में जो रोजमर्रा का काम ढूंढते रहते हैं और कुछ ना कुछ काम की तलाश में वो भटकते रहते हैं. कभी कुछ काम किया, कभी कुछ काम किया, कुछ ना कुछ वो काम करते रहते. कोई रिक्शा ही चला रहा है, कोई प्लम्बर का काम कर रहा है, कोई कारपेंटर का काम कर रहा है, कोई कॉबलर का काम कर रहा है, कोई रिपेयरिंग का काम कर रहा है, कोई टेलरिंग का ही काम कर रहा है, रिपेयरिंग कर रहा है. तो इस तरह के बहुत सारे वर्कर्स जो हैं वो कैजुअल वर्कर्स के रूप में, दिहाड़ी मजदूर के रूप में वो काम करते रहते हैं, क्योंकि उनके पास उतना प्लॉट नहीं है जिसपे अननेसेसरी वो अपना समय इन्वेस्ट करे. उसके बजाय वो कुछ और काम करना पसंद करते हैं और कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वो इन्वॉल्व है. दे आर एम्प्लॉयड. हाँ बेटा बोलो. मैम अभी भी इतना ही प्राइमरी सेक्टर में है क्या? हाँ, ये मतलब तो इतना ही लोग. हाँ बाबू, ये लेटेस्ट, इसके पहले वाला में 52 था, उसके पहले वाले में 65 था, बहुत तुरंत आजादी के बाद तो 80% था. ये तो रिसेंट का डाटा है तुम्हारा, करीब 49%. मान लो 50 आधी आबादी अभी भी खेती में ही लगी हुई है. और खेती का कितना जीडीपी निकल रहा है? मात्र 15. कितना जीडीपी योगदान दे रहा है खेती? केवल 15%. और लोग कितने एम्प्लॉयड है? 49. पहले जब लोग 52% उसमें इन्वॉल्व थे तो इसका कंट्रीब्यूशन 17% रहता था. तो कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है. हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर से जो जीडीपी आ रहा है वो काफी कम कंट्रीब्यूशन है इन द कंपैरिजन ऑफ पीपल आर एंगेज्ड देयर, जिसके अनुपात में लोग कृषि में लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, उस अनुपात में उसकी आमदनी नहीं हो रही. यही चिंता का विषय है. जब इतने अधिक लोग आमदनी करने के लिए सक्षम नहीं है खेत पर, तो उन्हें वहां से हटाकर कुछ और काम देना चाहिए. अब ये कैसे काम दिया जाएगा, अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट. पहले इसको थोड़ा सा समाप्त कर लिया जाए, फिर आगे चलते हैं. मेनी ऑफ देम डोंट फाइंड वर्क एवरीवेयर एवरीडे. सिमिलरली वी सी अदर पीपल ऑफ द सर्विस सेक्टर ऑन द स्ट्रीट पुशिंग अ कार्ट और सेलिंग समथिंग वेयर दे मे स्पेंड द होल डे बट अर्न वेरी लिटिल. कहीं कहीं हम लोग देखते हैं वेंडर्स को ठेला पर लेकर के सामान बेच रहा, फेरी वाला जो है बेचारा दिन भर घूमता रहता है अपना बड़ा सा गट्ठर लेकर के, कहीं यहाँ कहीं वहां कहीं वहां, फिर भी उसे जितना मेहनत करता है उस अनुरूप उसे मुनाफा नहीं हो पाता, लेकिन वो मजबूर है, उनके पास कोई और काम करने का ऑप्शन नहीं है. तो अब यहाँ पे दिया गया है कि भाई ये काम कैसे लोग पाए, क्योंकि रोजगार देना तो सरकार का काम है, कहाँ से रोजगारी उपलब्ध कराया जाए, रोजगार कैसे दिया जाए. तो अब यहाँ पे दिया गया है तुमसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुम्हें ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि गिव एनी वन एग्जाम्पल हाउ टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट इन द रूरल एरिया, हाउ टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट इन द अर्बन एरिया, कैसे हम रोजगार के अवसर उपलब्ध करा सकते हैं. ये तुम्हें दिया गया है बेटा. दिस इज द सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स रिलेटेड विथ मनी. हम अर्निंग कैसे करेंगे, हम ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कैसे कर सकते हैं. हमारे पास यदि देखे हो, जैसे तुमने तीन सेक्टर पढ़े हो, पहला पढ़े हो क्या प्राइमरी, और पढ़े हो दूसरा, पढ़े हो सेकेंडरी, सेकेंडरी सेक्टर, और तीसरा टर्शरी. टर्शरी अब देखो, एक बच्चा पूछ भी रहा था कि टर्शरी सेक्टर क्या है मैडम, इसको हिंदी में क्या कहते हैं. प्राइमरी का मतलब प्राथमिक क्षेत्र,
सेकेंडरी का मतलब है द्वितीय क्षेत्र और टर्सरी का मतलब तृतीय क्षेत्र, ठीक है। फर्स्ट, ये फर्स्ट है, फर्स्ट इसलिए प्राइमरी क्योंकि इसको हम लोग डायरेक्ट कहां से इसका प्रोडक्शन करते हैं, नेचर से। हम नेचर को ही एक्सप्लॉइट करके जब कुछ भी गुड्स को प्रोड्यूस कर दे तो प्राइमरी में आता है। जब उसी प्राइमरी गुड्स को जो जिसे हमने प्रोड्यूस किया उसे जब हम मॉडिफाइड कर देते हैं मैन्युफैक्चर करके कुछ प्रोसेस के थ्रू, उसको जब हम नया रूप दे देते हैं तो वो सेकेंडरी सेक्टर में आ जाता है। और तीसरा क्या है, इन्हीं प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स को एड देने के लिए जब हम किसी भी वर्क में इन्वॉल्व होते हैं तो उसको हम टर्सरी सेक्टर कहते हैं, तृतीय क्षेत्र। ये डिवीजन जो है सेक्टर्स का, ये कैसे हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर। नेचर, नेचर मीन्स प्रकृति। इसकी प्रकृति क्या है, तो इसकी प्रकृति है कि ये नेचुरल प्रोडक्ट्स के थ्रू प्रोड्यूस किया जाए। यहां तुम्हें ध्यान देना, जैसे सेकेंडरी चीज है इसमें हम गुड्स को मॉडिफाई कर देते हैं, वी टेक द गुड्स फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर। जैसे कि मान लो फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी जो प्राथमिक क्षेत्र का प्रोडक्शन है उसके जो भी प्रोडक्शन है उसके फॉर्म को हम चेंज कर देते हैं। जैसे मान लो माइनिंग है, माइनिंग में हमने क्या किया, ओर निकाला, बड़े बड़े चट्टान निकल गए। क्या है उस ओर में, तो मान लो वो आयरन ओर है, मान लो वो कॉपर ओर है, तो हमने तो निकाला, कहां से निकाला, जमीन में से निकाला, अर्थ से निकाला। तो ये क्या है, ये प्राइमरी सेक्टर है। लेकिन हम उस पत्थर का क्या करेंगे, हमें उसको क्या करना है, या तो हमें रेलवे ट्रैक बनाना है, चाहे हमें सबसे सिंपल चीज अपने घर में इस्तेमाल करने के लिए स्टील के बर्तन बनाने हैं, तो अब हम उस पत्थर को तो यूज नहीं करेंगे। फिर वो जाता है प्लांट में, उसका कंस्ट्रक्शन होता है, उसकी पिसाई होती है, सेपरेशन ऑफ मेटल्स होता है। अब ये भी क्या है, सेकेंडरी। फैक्ट्री में जब वो गया, इंडस्ट्रीज में गया, उद्योग धंधों में जब वो लग गया, तो वो अपना रूप को बदल देता है। फिर उसको सेपरेट करके मिनरल्स के रूप में, अलग अलग मिनरल्स को निकाल के फिर उसको हम पिघलाते हैं, नया शेप देते हैं। यदि हमारा मन करता है तो उसी लोहे का हम अलमारी भी बना लेते हैं, उसी लोहे का हम रेलवे ट्रैक भी बना लेते हैं, उसी लोहे का हम इंजन और अलग अलग तरह के मोटर्स भी बना लेते हैं, जिससे हमारी तमाम मशीनरीज काम करती है। तो ये भी किसमें आ गया, सेकेंडरी। लेकिन यदि तुम पूछते हो कि मैडम मान लो यदि कोई आदमी फैक्ट्री में काम कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, तो वो काम कर रहा है मतलब सर्विस कर रहा है। फैक्ट्री क्या है, वो सेकेंडरी सेक्टर है। लेकिन जब वो सर्विस कर रहा है, मतलब किसी भी काम के बदले यदि उसको प्रोडक्शन नहीं मिल रहा, यानी कि गुड्स नहीं मिल रहा है। देखो गुड्स और सर्विसेस तुम लोग देखते हो, या तो गुड्स प्रोड्यूस होंगे या तो सर्विसेस। क्या है, गुड्स और सर्विसेज। जैसे प्राइमरी सेक्टर से हमने क्या किया, गुड्स को प्रोड्यूस किया, ठीक। और सेकेंडरी सेक्टर में भी हमने क्या किया, गुड्स को ही प्रोड्यूस किया, उसे हम क्या कर दिए, उसके रूप को बदल दिया। लेकिन उसमें बहुत सारे लोग सेवा में भी लगे रहते हैं, जैसे उसी में क्लर्क जो हिसाब किताब कर रहा है, अकाउंटेंट है जो सारा उसका लेखा जोखा रख रहा है, जो दूसरे है प्यून है, चाहे जो डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सन है, जो टाइम कीपर है, ये सब लोग भी वहां काम कर रहे हैं। वो गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर रहे, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं। जब हमें गुड्स नहीं मिलती है तो हम ये सब किसके लिए है, केवल पैसे के लिए है, ओनली फॉर मनी। हमने प्राइमरी सेक्टर में खेती क्यों किया, क्योंकि अनाज प्रोड्यूस हो, उसको बेचे, उसके बदले हमें पैसा मिले, उस पैसे से हम अपना काम करें। यदि हम उसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो वो मैन्युफैक्चरिंग के बाद क्या हो रहा है, नए रूप में आ जा रहा है। अब जैसे हम लोहा को खरीदेंगे उसी कीमत पर कोई इंजन, या उसी लोहे के ही रेट में कोई रेलवे पटरी या रेलवे का डब्बा तो नहीं मिलेगा, उसका दाम तो काफी बढ़ जाएगा। तो जब हम उसको प्रोसेस में ले आएंगे, जब उसका फॉर्म चेंज हो जाएगा, तो वो खुद ही महंगा हो जाएगा। जैसे कॉटन, कपास, जब हम कपास को खरीदेंगे तो उसकी कीमत काफी कम रहेगी, जब वो धागे में बदल जाएगा, यार्न बन जाएगा, तो उसकी दाम उससे बढ़ जाएगी। जब वही वीविंग होने के बाद कपड़ा बन जाएगा तो वो और महंगा होगा,
और जब वो सिला करके रेडीमेड कपड़े के रूप में हमारे पास आएगा तो वो और महंगा होगा, क्योंकि उसमें वो सारे गुड्स प्लस सर्विसेज सब ऐड हो गए हैं, और यही गुड्स और सर्विसेज के जो फाइनल कैलकुलेशन है उसी को हम लोग जीडीपी कहते हैं। जैसे कि अब इसमें क्या किया जाता है, तीनों ही सेक्टर के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको सेपरेट सेपरेट करके रख लिया जाता है। जैसे प्राइमरी सेक्टर में कितना प्रोड्यूस हुआ गुड्स का हम हिसाब रख लेते हैं, ठीक, सेकेंडरी सेक्टर में कितना प्रोड्यूस हुआ इसका पूरा हिसाब होता है, फिर टर्शियरी सेक्टर में कितने लोग सेवा किया और उसके बदले उन्हें कितना दाम मिला, कितना इनकम हुआ, इन सारे को जोड़ करके और फाइनल फाइनल गुड्स और सर्विसेज को जब हम टोटल करते हैं सम निकालते हैं तो वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाती है, यानी कि उस देश का उतना प्रोडक्शन हुआ जो हम लोगों ने अभी पढ़ लिया, पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि मान लो हमारे यहाँ जब आधी आबादी केवल प्राइमरी ही सेक्टर पर ही इन्वॉल्व माने डिपेंड है और बहुत सारे लोग उसी में इन्वॉल्व है और उसका जीडीपी को अच्छा कंट्रीब्यूशन भी नहीं मिल रहा है तो क्या करना चाहिए। तो अब वहीं से कुछ लोग निकल करके और टर्शियरी सेक्टर में चले गए हैं लेकिन उनको भी मनचाहा दाम नहीं मिल रहा है, काम तो दिन भर कर रहे हैं, कोई खोमचे वाला है घूम घूम के सामान बेच रहा है, यहाँ से वहां भटक रहा है दिन भर, जूता वाला जो है सिलने वाला कॉबलर बैठा हुआ है पेड़ के नीचे बेचारा धूप में सुबह से लेकर के शाम तक, इतना भी लोग उसके पास रिपेयरिंग के लिए नहीं आया जूता सिलवाने के लिए कि उसका दिन भर का भी खर्चा निकल पाए, तो बेचारा वो क्या करेगा, दिन भर तो बैठा है काम की तलाश में है ही, वो इंतजार कर ही रहा है लेकिन उसे मनचाहा दाम और मनचाहा काम दोनों ही नहीं मिला, तब अब क्या किया जाना चाहिए। तो सरकार को चाहिए कि वो कुछ एम्प्लॉयमेंट बढ़ाए, नहीं तो हमें लोगों को पीपल को चाहिए, तुम्हें चाहिए, इसीलिए ये तुम्हें ट्रेन किया जा रहा अभी से ही कि चाहिए कि हम कुछ रोजगार के नए अवसर उत्पन्न करें। कैसे उत्पन्न करेंगे, सरकार कैसे करेगी और एक साधारण आदमी कैसे कर सकता है, यहाँ पे दिया गया है हम लोग करेंगे। हाँ क्यों नहीं करेंगे, अब हम लोग मान लो हमारे पास एक सिंपल एग्जांपल बता रहे हैं, मान लो हम लोग खेतों में गेहूं उगा रहे हैं, ठीक है गेहूं तो उपज रहा है, हमारे खाने से ज्यादा गेहूं हो रहा है तो हम बाजार में भी बेच रहे हैं। अब क्या करेंगे, सोच रहे कि चलो इस बार का अनाज बेच करके और हम एक ट्रैक्टर ही खरीद लेते हैं, कुछ लोन ले लेते हैं, धीरे धीरे भराएगा, तो उस ट्रैक्टर पर हमने क्या किया, ट्रैक्टर अब ट्रांसपोर्ट यहाँ पे वो क्या हो गया टर्शियरी सेक्टर, ट्रैक्टर खरीद लिए, अब उससे क्या हो रहा है कि हम सामान को भी ला रहे ले जा रहे, किसी को कुछ खरीदना है वो भी सामान ले जाना है मंडी तक पहुंचाने के लिए अनाज वो भी भेज रहे हैं, अगल बगल वालों को भी किराया पर दे रहे हैं, उसके साथ ही साथ यदि किसी को खेतों में भी जरूरत है एग्रीकल्चरल वर्क के लिए तो भी हम दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं, उसको किराए पे दे रहे हैं, हायर कर रहा है कोई, उसके बदले भी हमें इनकम हो रहा है, तो इससे क्या है कि वो इनकम का एक एक्स्ट्रा सोर्स हो गया। कुछ भी नहीं तो हमें लगेगा चलो एक छोटा सा मील बैठा लेते हैं, आटा चक्की बैठा लेते हैं, अब गेहूं की पिसाई करने लगेंगे, अब उसी गेहूं की पिसाई तुम लोग अपने आसपास में देखते होगे, छोटी छोटी आटा चक्की बिठा करके रखे हैं लोग, अपने घर में ही आटा पीस लेते हैं, गेहूं की पिसाई हो जाती है, आटा आ जाता है। यस मैम। अब उस आटे से क्या है कि वो लोग थोड़ा सा जर्ती काटते हैं, तुम लोग देखते होगे अक्सर, पैसा लेते हैं पिसाई और साथ साथ थोड़ा सा जर्ती भी काटते कि इतना जल गया, अब वो वही थोड़ी थोड़ी सी थोड़ा सा ही अमाउंट बचाते बचाते उनके पास काफी अमाउंट हो जाता है, अब उसको अलग से वो बेच सकते हैं। मान लो कोई गेहूं पिसाने नहीं गया, उसको केवल आटा ही चाहिए, जैसे अब हम लोग कहाँ गेहूं सुखाएंगे यहाँ स्कूल में, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आटा ही लेके आते हैं, तो यदि आटा चक्की पर गया वहां से आटा लेकर के आए और फिर उसको उसके बदले पैसा दिए, वो उस पैसे को थोड़ा थोड़ा सा जोड़ करके क्या करेगा, सोचेगा कि हम इसके बदले में कुछ और काम कर लेते हैं, एक आरओ प्लांट बैठा दिया, तो अब ये वही तो कर रहा है, यहाँ तो सरकार नहीं आई, आरओ प्लांट बैठा दिया, पानी का सप्लाई कर रहा है घूम घूम में, उसी से एक छोटा सा क्या ले लिया, एक कोई गाड़ी ले लिया जिससे कि वो पानी को सबके घर घर पहुंचा रहा है, तो वो ट्रांसपोर्टेशन का भी व्यवस्था होगा। अब यहाँ पे देखो आटा चक्की जब बैठाया है तो ये क्या हो गया, मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी सेक्टर, ये गेहूं का रूप बदल दे रहा है, किस रूप में बना रहा है उसको, उसको फ्लोर बना दे रहा, फ्लोर मिल, अब ये मैन्युफैक्चरिंग में आ जाएगा। और मान लो उसी से वो कुछ, मान लो बाहर चट्टी वट्टी पे एक छोटा सा दुकान खोल लिया, बड़ा इधर देखते हो सब अलग अलग तरह की चीजों को बना करके बेचते रहते हैं, उसी में से उसका कोई फैमिली मेंबर वहीं पे कुछ बना करके बेचने लगा, चाय पकौड़ी की दुकान खोल लिया, लोगों की सेवा देने लगा, लोग आ रहे घूम फिर के थक हार करके वहां खाने पीने लगे, थोड़ा सा
टर्शियरी सेक्टर हो गया वो क्या डेंगू हो गया ऐसा नहीं है. आप देख करके ऐसी चीजों को आप देख सकते हैं एग्जांपल के तौर पे तुम्हें बताया जा रहा है. डेंगू हो गया तो गंदगी से रहेगा और गंदगी से रहेगा तो कोई जाएगा ही नहीं. सेकेंडरी बोले सेकेंडरी. अच्छा सेकेंडरी बोल रहे हो ठीक है. आवाज नहीं क्लियर आ रही है. नहीं यदि वो बना रहा है प्रोसेसिंग में है तब वो सेकेंडरी है. लेकिन वो लोगों को खिला पिला रहा है सर्विस दे रहा है तो ये टर्शियरी. तो ये सब एग्जांपल तुम अपने घर में भी. हाँ बाबू अपने घर में भी देख सकते हो. एक वर्क सेक्टर में आ सकते हैं क्या? क्या बेटा? एक वर्क सेक्टर में. आवाज नहीं सुनाई दे रही है ठीक से. बोल रहे कोई एक वर्क कई सेक्टर में आ सकते हैं क्या? कई सेक्टर में वो आप एक कार्य कई सेक्टर में हो सकते हैं. तो बना रहे हैं तो मैम मैन्युफैक्चरिंग भी तो कर रहे हैं वो. हाँ सर्विस भी दे रहे हैं. बना रहे हैं तो बन रहा है तो मैन्युफैक्चरिंग है. लेकिन जब उसको सेल कर रहे हैं बेच रहे हैं. देखो जिससे हम डायरेक्ट जब पैसा लेते हैं कोई भी चीज हम लोग बेच रहे हैं. मान लो अब हम स्कूल में आए हैं ठीक. तो स्कूल में तो हम आए हैं तुम लोग को पढ़ा के जा रहे हैं. लेकिन हमें रोज तो पैसा नहीं मिल रहा. पढ़ाने के बाद तुरंत पैसा मिला क्या? नहीं. नो मैम कोई अब पैसा मिला नहीं. कब पैसा? एक महीने बाद मिला. चाहे मान लो पैसा डायरेक्ट मिल गया कुछ हम सामान तो नहीं दिए हाथ में. तुम लोग आते हो पढ़ के गए इसके बदले कुछ सामान लेके जाते हो गुड्स लेके जाते हो कहीं रहे. या तो गुड्स मिलेगा या सर्विस मिलेगा उसके बदले हमें पैसा देना. समझ रहे हो? यदि सामान हम दे रहे हैं गुड्स दे रहे हैं तब तो वो वस्तु है आ गई सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगी चाहे प्राइमरी में आएगी जब उसके बदले हमें गुड्स मिला है तो. और जब हम सेवा के बदले पैसा देंगे तब वो टर्शियरी सेक्टर में आएगा. जैसे मान लो तुम कहीं से जा रहे हो बस में ट्रेन में चाहे कहीं भी तो तुम वहां से जा करके भी अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचे तो उसके बदले तुम्हें तो कोई सामान मिला नहीं वस्तु तो मिली नहीं तो उसके बदले केवल पैसा दिए तो वो क्या है? वो टर्शियरी सेक्टर है सेवा में मिल रहा है. वैसे ही जब तुम किसी वस्तु के बदले में अब मान लो तुम कुछ सामान खरीद करके ला रहे हो कुछ सामान तुम ले लिए तो इसका मतलब उसको मैन्युफैक्चरिंग किया और वो मैन्युफैक्चरिंग चीज को कहां तक पहुंचा दिया? दुकान तक. अब दुकान में तो वो मैन्युफैक्चरिंग कर नहीं रहा है. अब जितने भी शॉपकीपर्स हैं दुकानदार है जब वो सेलिंग कर रहा है तो यहाँ टर्शियरी सेक्टर हो जाएगा. ठीक है ना? तो इसको कंपेयर करके तुम देख लो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर कैसे कैसे है. तुम्हारे घर के कौन कौन लोग किस किस सेक्टर में इन्वॉल्व है. और ये नया टॉपिक हम लोग देखते हैं हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट. सरकार कैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ा सकती है रोजगार के अवसर उपलब्ध करा सकती है. हाँ बेटा बोलो कुछ पूछना है. हाँ बोलो मैम. आप हम लोग को पढ़ा रही है तो ये टर्शियरी सेक्टर है. हाँ टर्शियरी सेक्टर है सेवा है. इसके बदले तो तुम कुछ वस्तु लेके जा नहीं रहे हो केवल सर्विस दे रहे हैं और उस सर्विस के बदले हमें पैसा मिल रहा है तो ये क्या है? ये टर्शियरी सेक्टर है. ठीक. तुम मोबाइल का यूज कर रहे हो तुम इंटरनेट का यूज कर रहे हो तो इंटरनेट क्या है? इंटरनेट तो तुमको कोई वस्तु दिया नहीं. वस्तु दिया क्या? कुछ कुछ मिला तो डाटा यूज करके उड़ गया फिर तुमको भरवाना पड़ेगा तो इसके बदले तुम पैसा दिए. वस्तु तो हमारे पास कोई मिला नहीं है कोई वस्तु दिखाई नहीं दे रही है तो ये क्या हो गया? ये सेवा हो गया सर्विस सेक्टर हो गया. समझ रहे हो? यस मैम. ऐसे कंपेयर करोगे तो क्लियर हो जाएगा. ठीक. और भी किसी मैम आप एक एग्जांपल बोली है अभी कि एक एग्जांपल दो कि जिससे ना एक्सप्लेन करो कि मुनाफा मिलता है कैसे मिलेगा तो उसका अभी तो हम पढ़े नहीं है ना तो कैसे वही ना नहीं वही ना अभी पढ़ाने जा रहे हैं हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट कैसे हम रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे कैसे सृजन करेंगे रोजगार के अवसर. तो जब हम लोगों को फायदा हाँ तो उस फायदे को लेकर के फिर हम एक नया कोई भी चीज स्टार्ट कर सकते हैं तो और उससे हमारा मुनाफा आने लगेगा. वही चीज अभी पढ़ना है बेटा. चलो पढ़ते हैं. ठीक है. फ्रॉम द एबव डिस्कशन ऊपर एक लेट्स वर्क दीज आउट दिया गया है इंटेक्स क्वेश्चन इसको भी कर लेना सॉल्व इन योर होमवर्क. ओके ये आज का तुम्हारा होमवर्क है पेज नंबर 27 का. लेट्स वर्क दीज आउट ये आप आज कर लेंगे अपने होमवर्क कॉपी में. अगला टॉपिक हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट. फ्रॉम द एबव डिस्कशन वी कैन सी दैट देयर कंटिन्यूज टू बी कंसिडरेबल अनएम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर. देयर आर ऑल्सो पीपल हु आर नॉट एम्प्लॉयड एट ऑल. इन वॉट वेज कैन वन इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट फॉर पीपल. लेट अस लुक एट सम ऑफ देम. चलिए कुछ उसके हम तरीकों को देखते हैं कैसे एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाया जाए. Take the case of Lakshmi with her 2-hectare plot of unirrigated land. The government can spend some money or bank can provide a loan.
to construct a well for her family to irrigate the land. Lakshmi will then be able to irrigate her land and take a second crop. अब मान लो ये सरकार की तरफ से दे दिया गया, अब तो लक्ष्मी के पास जमीन है लेकिन उस जमीन पर वो अच्छे से खेती नहीं कर पा रही क्योंकि वहां पे उसके पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है। बारिश हो रही है तभी वो वहां पर खेती कर पा रही है, यदि बारिश नहीं हो रही है तो वो खेती नहीं कर पा रही है। तो ऐसे कंडीशन में क्या है, मान लो सरकार या बैंक लोन दे देता है ताकि वो वहां पर कुआं खुदवा ले और उसके पास जब सिंचाई की व्यवस्था हो जाएगी तो वो अपने अन इरिगेटेड लैंड पर इरिगेशन के मदद से कुछ और भी क्रॉप उगा सकती है, तो क्या होगा कि इनकम बढ़ जाएगा। लक्ष्मी विल देन बी एबल टू इरिगेट हर लैंड एंड टेक अ सेकंड क्रॉप वीट ड्यूरिंग द रबी सीजन। अभी तक तो वो केवल खरीफ क्रॉप उगा रही थी जब बारिश हो रहा था तभी अरहर और ज्वार, लेकिन अब वो रबी क्रॉप भी उगा लेगी यानी कि जब बारिश नहीं भी हो रही तो वो हल्के सिंचाई के द्वारा अपने खेतों को सिंचित करके वहां पर रबी के फसल को भी ग्रो कर लेगी और व्हीट भी सेकंड क्रॉप में उसको मिल जाएगा। लेट अस सपोज दैट 1 हेक्टेयर ऑफ व्हीट कैन प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू 2 पीपल फॉर 50 डेज इंक्लूडिंग सोइंग वाटरिंग फर्टिलाइजर एप्लीकेशन एंड हार्वेस्टिंग, सो 2 मोर मेंबर्स ऑफ द फार्म कैन बी एम्प्लॉयड इन हर ओल्ड फील्ड। कहा जा रहा है मान लो भाई है, कौन भाई है भैया, इतना प्यारे भाई मत बनो मेरे लाल, टाइम ओवर ही होने वाला है, टाइम ओवर हो जाएगा, 10 मिनट का ब्रेक मिलेगा उसमें चर्चा कर लेना ठीक। तो कहा जा रहा है कि मान लो यदि उसके 2 हेक्टेयर लैंड पर 2 लोगों को एक फसल उगाने के बाद आमदनी मिल रही थी 2 लोगों के इनकम के लायक, तो मान लो अब वो दोनों फसल उगा लेती है तो उसके 4 फैमिली मेंबर्स के भरण पोषण करने लायक उसको इनकम हो जाएगा। सो 2 मोर मेंबर्स ऑफ द फैमिली कैन बी एम्प्लॉयड इन हर ओन फील्ड, माने अपने ही जमीन पर केवल सिंचाई के साधन उपलब्ध करा के वो 2 और अधिक लोगों को रोजगार दे सकती है विद द हेल्प ऑफ द इरिगेशन फैसिलिटी। नाउ सपोज अ न्यू डैम इज कंस्ट्रक्टेड एंड कैनल्स एंड डग टू इरिगेट मेनी सच फार्म्स, दिस कुड लीड अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन विद इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर इटसेल्फ, रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट। मान लो सरकार ही वहां पे बांध बनवा देती है और बांध बनवा करके नहर की व्यवस्था कर देती है और उस नहर के मदद से वहां पे सैकड़ों किसानों के खेतों तक पानी पहुंच जा रहा है। खेत तो था लेकिन वो कैसा खेत था, अनइरिगेटेड था, जहां सिंचाई की व्यवस्था नहीं थी और लोग केवल खरीफ की क्रॉप उगा पाते थे। अब यदि सिंचाई की व्यवस्था हो जाएगी और लोग यदि रबी की भी क्रॉप उगा लेंगे तो वहां पे बहुत सारे किसानों को अधिक आमदनी होने लगेगा यानी रोजगार के और भी अवसर उपलब्ध हो जाएंगे। This could lead to a lot of employment generation within the agricultural sector itself, reducing the problem of underemployment. इससे underemployment की समस्या समाप्त हो जाएगी, कम हो जाएगी। Now suppose Lakshmi and other farmer produce much more than before. अब मान लो कि Lakshmi और वहाँ के किसान पहले से अधिक मात्रा में produce करने लगते हैं। They would also need to sell some of these. अब वो उसमें से थोड़ा सा बेचने के लिए भी गुड खाली कह कह गया हेलो स्टूडेंट मैम एम आई ऑडिबल, सुनाई दे रहा है? ओके तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि लक्ष्मी और वहाँ के जो बाकी भी किसान हैं वो भी कुछ और भी मात्रा में प्रोड्यूस करने के लिए वो सक्षम हो जाएंगे। अब ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा उनके पास, हाँ बोलो क्या दोनों आपने कनेक्ट वेल चलिया वैसी तो कनेक्ट वेल चलवाना, हाँ हाँ चल। कौन मैथिली में बात कर रहा है जी बच्चे? आदित्य ठाकुर, ठाकुर जी नो नो मैम मैं नहीं हूँ म्यूट करके बात कीजिए आप लोग आपस में चर्चा है, इस पर अनम्यूट हो करके मैं ये बाकी मुझे भी मैं नहीं हूँ एच से उसका नाम था शायद वही था। चलो ठीक है
चलिए आगे हम लोग पढ़े इसको। तो क्या हम लोग बात कर रहे थे कि मान लो यदि लोग इस अवसर का लाभ उठा करके यदि उसके पास सिंचाई की अतिरिक्त व्यवस्था हो जाती है और वो थोड़ा और अर्निंग करने लगता है, आमदनी के साधन उसके और बढ़ जाते हैं, तो वो क्या करेगा? अब यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स आर फोर्स टू एंटर द अनऑर्गेनाइज सेक्टर जॉब्स विच पे अ सॉरी ऊपर वाला लाइन पढ़ते ना, दे अडॉप्ट सच स्ट्रेटजीज टू इवेड टैक्सेस एंड रिफ्यूज टू फॉलो लॉज दैट प्रोटेक्ट लेबरर्स। अच्छा ये हमारा आ गया अनऑर्गेनाइज सेक्टर। सॉरी बेटा यहाँ पे एक पेज उलट गया, हम कह रहे कि कहाँ पढ़ने लगे, यहाँ पे सेक्टर आ गया। चलो चलो ठीक है, इसको कंटिन्यू करते हैं। हाँ अब यहाँ पे दिया गया है एग्जाम्पल में, नाउ सपोज लक्ष्मी एंड अदर फार्मर्स प्रोड्यूस मच मोर देन बिफोर, दे वुड ऑल्सो नीड टू सेल सम ऑफ दिस और दिस दे मे बी रिक्वायर्ड टू ट्रांसपोर्ट देयर प्रोडक्ट टू अ नियर बाई टाउन। अब मान लो उनके पास ज्यादा प्रोड्यूस हो जा रहा है, अपने प्रयोग से वो ज्यादा उत्पादन कर ले रहे हैं, तो वो क्या करेंगे? बगल के शहर में बेचना चाहेंगे। तो अब जब बगल के शहर में बेचेंगे तो क्या होगा? फॉर दिस दे मे बी रिक्वायर टू ट्रांसपोर्ट देयर प्रोडक्ट्स टू बी द नियर बाई टाउन। ट्रांसपोर्टिंग के लिए अब कोई कुछ ऐसी व्यवस्था कर लेगा जिससे वो उन सामानों को शहर तक पहुंचा सके। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन क्या है? टर्शियरी सेक्टर में आ जाएगा। इफ द गवर्नमेंट इन्वेस्ट सम मनी इन ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज ऑफ क्रॉप्स और मेक्स बेटर रूरल रोड्स so that mini trucks each reach everywhere, several farmers like Lakshmi who now have access to water can continue to grow and sell their these crops. अब मान लो सरकार वहाँ पे सड़कें बना देती है, ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रक भिजवा देती है, लोग अपना सामान उस पर लोड करके और शहरों तक पहुंचा देंगे, तो इससे क्या होगा? रोजगार के अवसर उपलब्ध हो जाएंगे। मान लो एक ट्रक के लिए ड्राइवर चाहिए, एक क्लीनर चाहिए, तो वैसे लोग बढ़ गए, कुछ लोगों को ढोने के लिए वर्कर्स को भी तैनात कर देगी जो वहां से सामान लेके आए उतारे। इसके अलावा रोड भी बना रही, तो रोड पर भी कंस्ट्रक्शन के लिए कुछ लोग चाहिए, मजदूर, कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स चाहिए जिसको कॉन्ट्रैक्ट देगी या अपने ही एम्प्लॉयड को वहां पे एम्प्लॉयड करेगी, तो उसको भी उसका हिसाब किताब रखने के लिए कई तरह के लोगों की आवश्यकता होगी। तो इस तरीके से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा और लोगों का भी जो इनकम है वो इंक्रीज हो जाएगा। यदि मान लो वहीं पे कोल्ड स्टोरेज बना देती है, तो कोल्ड स्टोरेज को बनाने के लिए फिर बन जा रहा है तो उसमें कुछ लोगों का एम्प्लॉयड का सारा डाटा कंटेन करेंगे, उसको सब रखेंगे, निकालेंगे, देंगे, लेंगे, तो इसके लिए भी कुछ लोगों की आवश्यकता पड़ेगी और इस तरीके से कुछ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे तुम्हें दिया गया है कि अब who now have access to water can continue to grow and sell these crops. This activity can productive employment to not just farmers but also others such as those in services like transport or trade. मान लो केवल डैम ही बन गया और लोगों के पास सिंचाई की व्यवस्था उत्पन्न हो गई, उपलब्ध हो गई, तो अब उससे वो दुगना क्रॉप उगाएंगे, दोनों सीजन का क्रॉप उगाएंगे, रबी, पहले तो खरीफ ग्रो कर ही रहे थे, अब रबी भी ग्रो करेंगे, और उससे जब उनका इनकम ज्यादा हो जाएगा तो धीरे धीरे वो ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था करेंगे, फिर कुछ लोग जो हैं अदर मैन्युफैक्चरिंग की व्यवस्था करेंगे, तो इस तरीके से अदर सेक्टर्स के भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाएंगे। जैसे कि अब अगला फिर एग्जांपल दिया है, लक्ष्मी नीड इज नॉट कन्फाइंड टू वाटर अलोन टू कल्टिवेट द लैंड, शी ऑल्सो नीड सीड्स, फर्टिलाइजर्स, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट एंड पंप सेट टू ड्रॉ वाटर। Being a poor farmer, she cannot afford many of these. So, she will have to borrow money from money lenders and pay a high rate of interest. If the local bank give her credit at a reasonable rate of interest, she will be able to buy all these in time and cultivate her land. This means that along with water, we also need